आज दुनियाभरना 3/4 एटले के 77% वधु लैपटॉप्स और पर्सनल कम्प्यूटर माइक्रोसॉफ्ट ना विंडोज पर चाली रहा है। दरेक पसार थता दिवस साथे नवी एप्लिकेशन सामेल थई रही है, क्षमता वधी रही है, हार्डवेर पण एक झड़पथी अपग्रेड थई रहा है। आ इवोल्यूशन में आज की तारीख घनी महत्वनी है, केम के माइक्रोसॉफ्ट स्थापक बिल गेट्स 28 वर्ष की वय में 10 नवम्बर 1983 रोज प्रथमवार विंडोज लॉन्च करी थी। आज विंडोज लगभग दरेक जगह छूवा मळे छे। बिहार नु जनादेश मंगलवार आवशे। महागठबंधन 122 बैठक जीतशे तो तेजस्वी सीएम हशे। आम थशे तो देश ना बीजा सौथी युवान सीएम बनशे। तेओ सोमवार 31 वर्षना थया हता। अगाउ पुडुचेरी में एमओ फारूक 30 वर्ष वय 1967 में सीएम बन्या हता। बात करवामां आवे पहेला तेओ क्रिकेट रमता हता, आईपीएल नी दिल्ही टीम में रमी चुक्या छे। दवा उत्पादक कंपनी फाइजरे दावो कर्यो कि अमारी 3D ट्रायल में कोरोना वैक्सीन 90% लोगों पर कारगर साबित थई। आ समाचार आपता भारतीय शेयर बजार अत्यार सुधी सौथी ऊंचू 42,597 स्तर हासिल कर्यो। आ उपरांत यूरोपियन शेयर बजारों पण 6% सुधी उछड़िया, जे कोरोना की बीजी लहर ने कारण मंदी दौर में था। सोना में प्रति 10 ग्राम 2300 कड़ाको बोली गयो। अमेरिकन शेयर बजार पण तेजी जोवा मळी हती। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनले दिल्ली सहित आखा एनसीआर में फटाकड़ा वेचाण और फोड़वा पर प्रतिबंध लगावी दीधो छे। प्रतिबंध आज रात्र 12 वाग्याथी लागू थी जशे और 30 नवम्बर सुधी रहेशे। बढ़ता प्रदूषण ने ध्यान में राखीने निर्णय लेवाय छे। एनजीटीए कह्युं कि आ आदेश देशना ए तमाम विस्तार और शहरों में पण लागू थशे ज्यां गत वर्ष नवम्बर में हवानी क्वालिटी लेवल पुअर अथवा एनाथी उपरनी केटेगरी सुधी पहुंची गयुं हतुं। जम्मू काश्मीर पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने तिरंगो न उपाड़वाना निवेदन अंगे राज्य में गत दिवस सुधी होबाड़ो मची गयो छे। मुफ्तीए आ मामला की गंभीरता ने ध्यान में राखी निवेदन बदल्यू छे। सोमवारे कह्युं कि धारासभ्य बन्या बाद तेमणे जम्मू काश्मीर में बंधारण में आस्था राखवा और भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करने शपथ लीधा था। आ बने वस्तुओं एकबीजा साथ इंटरलिंक छे। मुंबई हाईकोर्टे रिपब्लिक टीवी ने एडिटर इन चीफ अन्नम गोस्वामी दाखिल करेली जामीन अरजी सोमवार फगावी दीधी थी। 2018 में इंटीरियर डिजाइनर अन्मय नायक ने आत्महत्या माटे प्रवृत्त करवाना केस में अर्णव हाल ज्युडिशियल कस्टडी में छे। आ पछी तो तेने सेशन कोर्ट में जामीन अरजी दाखिल करी थी। मुंबई हाईकोर्ट में जस्टिस एस एस शिंदे और एम एस कर्णिक की खंडपीठे सोमवार अर्णव की जामीन अरजी फगावी दीधी थी। अर्णव ने आ साथ नियमित जामीन माटे सेशन कोर्ट में अरजी करने की छूट आपी थी। दिल्ली हाईकोर्टे सोमवार टीवी न्यूज चेनलों रिपोर्टिंग सामने नाराजगी दर्शाई है। जस्टिस राजीव सज्जन की पीठ कहूं कि मीडिया ने लेने लोगों में डर फैलाई गया है, त्यां सुधी कि तुम कोईपण क्षेत्र की हस्ती की प्राइवेसी का मुद्दों छोड़ी दो तो समाचार चेनलों तम अंगत जीवन की जाहिर में चर्चा न कर सके। मने लगे कि ब्लेक एंड व्हाइट दूरदर्शन युग वधारे सारो हतो। कोर्टे बॉलीवुड की 4 संस्था और 34 निर्माता द्वारा रिपब्लिक टीवी टाइम्स नाव सामे करेली अरजी की सुनावी वक्त आ टिप्पणी करी थी। अमेरिका में राष्ट्र प्रमुख चूंटी पछी सत्ता हस्तांतरण मुद्दों गूंजवायो छे। डोनाल्ड ट्रम्प शासने तो प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडन ने ट्रांजिशन टीम ने फेडरल गवर्नमेंट की चाबी सौंपवा इनकार कर दीधो छे। आ ट्रांजिशन टीम हवेथी जानुआरी 2021 सुधी ट्रम्प राष्ट्र प्रमुख तरीके रहेशे, त्यां सुधी महत्वनी नीतिओ पर काम करशे। राष्ट्र प्रमुख ट्रम्प सतत चूंटी में गड़बड़ना आरोप लगावी रहा है। बीजी तरफ तेमनी ज रिपब्लिकन पार्टी में तेमना वलन ने लईने मतभेद वधी रह्या छे। अमेरिका की दवा कंपनी फाइजर और जर्मन बायोटेक फार्म बायोएनटेक दावो कर्यो छे कि अमे बनावेली वेक्सिन 90% वधु लोगों पर असरकारक रही है। आ वेक्सिन ए लोगों पर पण असरकारक साबित थई छे जेमनामां कोरोनाना लक्षणो पहेलेथी दिखाता न हता। फाइजरना चेरमेन और सीईओ डॉक्टर आल्बर्ट बोर्लाए कह्युं कि आजनो दिवस मानवता और विज्ञान माटे महत्वनो छे। अमारी वेक्सिनना ट्रायलनो त्रीजो तबक्को सफल रह्यो। अबजोपति उद्योगपति रिचार्ड ब्रेंसन की कंपनी वर्जिन हाइपर लूपे तेनी हाई स्पीड पोर्ट सिस्टम प्रवासों साथ प्रथम टेस्ट कर्यो हतो। आ दरमियान प्रति कलाक 172 किलोमीटर की झड़पे आ लूप चाली थी। नेवाड़ा लास वेगास की साइट पर आ टेस्टिंग करायु हतु। हाइपर लूप में पोर्ट वैक्यूम ट्यूब सिस्टम ने अंदर तड़े जेमा प्रवासी प्रति कलाक 966 किलोमीटर की झड़पे प्रवास कर सकते। हाल में ज अमेरिकन राष्ट्रप्रमुख ने चूंटी में जो बाइडेन सामे कार में पराजय पामला डोनाल्ड ट्रम्पे विदाय लेता अगाउ वधु एक कदम उठाने अमेरिकाना संरक्षण मंत्री मार्क एस्पर ने पाणीचू पकड़ी दीधु छे। तेमना स्थाने अत्यार सुधी नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटरना डिरेक्टर पदे सेवा आपी रहेला क्रिस्टोफर मिलर ने अमेरिकाना संरक्षण मंत्री बनाव्या छे। तेओ हवे तात्कालिक असर संरक्षण मंत्री तरीकेनो पदभार संभाळशे। चूंटी अभियान में कोरोना थी बचवा पर विशेष भार आपना अमेरिका चूंटाई आवला राष्ट्रपति जो बाइडने तेनो सामनो करवा माटे कामगिरी शुरू कर दीधी है। तेमणे सोमवारे आ माटे तैयार करवामां आवेली टीम की जाहेरात करी है, जेमां भारतीय मूळना विवेक मूर्तिनो पण समावेश कर्यो छे। विवेक मूर्ति अमेरिकाना भूतपूर्व सर्जन जनरल है। येलो मेडिकल स्कूल में स्नातक मूर्ति ने वर्ष 2014 में राष्ट्रपति बराक ओबामाए सर्जन जनरल तरीके नियुक्त कर्या हता। गुजरात में वाहनों की थता प्रदूषण में घटाड़ो था और वाहन चालकों ने सरलता से सीएनजी गैस मिली रहे थे। राज्य में प्रदूषण मुक्त सीएनजी उपयोग व्यापक बनावा नवी पहल शुरू कराई है। गुजरात में छेल्ला 23 वर्ष में 542 सीएनजी स्टेशन सामे छेल्ला 2 वर्ष में नवा 384 सीएनजी स्टेशन उभा करवामां आव्या छे। 164 नवा सीएनजी स्टेशन कार्यरत करवा माटेना लेटर ऑफ इंटेंटना ई वितरण समारोह दरमियान मुख्यमंत्री रूपाणीए गांधीनगर थी सीएनजी सह योजना बीजा तबक्का प्रारंभ करावे।
સ્પેનમાં જન્મેલા અને પછી ભારત અને અમદાવાદમાં આવ્યા બાદ સવાયા ગુજરાતી તરીકે ઓળખ પામેલા ફાધર વાલેસનું 96 વર્ષે સ્પેનમાં અવસાન થયું છે. 4 નવેમ્બર 1925 સ્પેનમાં જન્મ. 1949 પછી ભારત આગમન અને મદ્રાસ યુનિવર્સિટીમાં ગણિત પદવી મેળવ્યા બાદ 1960 દરમિયાન અમદાવાદ સિવિલ્સ કોલેજમાં પ્રાધ્યાપક તરીકે જોડાયા. સાથે 100 જેટલા ગુજરાતી પુસ્તકો લખ્યા અને રંજીતરામ સુવર્ણ ચંદ્રક પણ મેળવ્યું હતું. પેટા ચૂંટણીના પરિણામની પૂર્વ સંધ્યાએ લાંબા સમયથી અટકેલા ભાજપ સંગઠનમાં નિમણૂક શરૂ થઈ ગઈ છે, જેમાં રાજ્યના તમામ જિલ્લા અને મોટા શહેરના શહેર પ્રમુખોની જાહેરાત કરી દેવાય છે. ભાજપ દ્વારા 39 પ્રમુખોની જાહેરાત કરવામાં આવી છે, જેમાં રાજકોટમાં કમલેશ મેરાણી, ગાંધીનગર શહેરમાં રૂચિર ભટ્ટ, જામનગર શહેરમાં વિમલ ગગત્રા, ભાવનગરમાં રાજીવ પંડ્યાની નિમણૂક કરાય છે. આ સિવાય વિવિધ જિલ્લામાં પ્રમુખોની માયા છે. નો રિપીટ થિયરી અંતર્ગત પાટીલ દ્વારા હિમ જાહેર કરાય છે. સી આર પાટીલ હાલ દિલ્હીમાં છે, સંભવત પ્રદેશ સંગઠનની આવતીકાલે જાહેરાત થઈ શકે છે. પ્રાંતિજના રામપુરા ચોકડી નજીકથી 15 દિવસ અગાઉ મકાનના પાયામાં દાટી દીધેલી મોરછાની મહિલાની લાશ મળી આવ્યા બાદ પ્રાંતિજ પોલીસે મૃતકની ઓળખ કરીને વિજાપુરના હવસપુર હત્યારાને પણ ઝડપી પડ્યા બાદ હત્યારાઓ દુષ્કર્મ આચરી મહિલા સાથે ઝઘડો થયા બાદ તેની જ સાડીથી ગળે ટૂંકમદે હત્યા કરી લાશને મકાનના પાયામાં દાટી દીધાની કબૂલાત કરી હતી. છેલ્લા 3-1 દિવસથી ગુજરાતમાં દૈનિક નોંધાતા કોરોનાના નવા કેસનો આંકડો 1000ને પાર કરી ગયો હતો. સોમવારે નોંધાયેલા 971 નવા કેસ સાથે નીચો આવ્યો છે. આ સાથે કુલ પોઝિટિવ દર્દીઓનો આંક રાજ્યમાં 1,81,670 પર પહોંચ્યો છે. હાલ 12,313 દર્દીઓ એક્ટિવ છે, જેનો કુલ 1,81,000 દર્દીઓની સાપેક્ષ ગુણોત્તર 6.7% છે. જ્યારે દર 10 લાખની વસ્તી 2,674 વ્યક્તિઓને અત્યાર સુધીમાં કોરોના સંક્રમણ લાગી ચૂક્યું છે. તાજેતરમાં મોરબી વિધાનસભા બેઠકની પેટાચૂંટણીના પ્રચાર વખતે જાહેર સભામાં નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિન પટેલ દ્વારા જાતિ પાતક શબ્દ પ્રયોગ મુદ્દે પ્રદર્શન થઈ રહ્યા છે. નીતિન પટેલે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ગુજરાત પ્રવાસ દરમિયાન કેશુભાઈ પટેલ તથા કનોડિયા બંધુના ઘરે જઈને શ્રદ્ધાંજલિ આપી છે. સંદર્ભે વાત કરતા જાતિ પાતક શબ્દોનો પ્રયોગ કરતા પ્રશ્ન થયો હતો, જેમાં રાજ્યભરમાં દલિત સમાજમાં રોષ ભોગવી ગયો. અમદાવાદમાં ગત મંગળવારે નીતિન પટેલના પૂતળા બાળ્યા હતા. ફિલ્મ અભિનેતા અને મોડલ અર્જુન આંબાના ઘરે ડ્રગ્સ મામલે નાર્કોટિક્સ બ્યુરોએ સોમવારે દરોડા પાડ્યા હતા. તેની પાર્ટનર ગેબ્રિએલા ડેમેડ્રેસ ભાઈ અગી સિલાઓસની પૂછપરછમાં મળેલી માહિતી અનુસાર કાર્યવાહી કરાઈ હતી. ખરેખર અગી સિલાઓસ પાસેથી તરસ અને પેન ટેબ્લેટ આલ્પ્રાઝોલમ મળી હતી. તેની 19 ઓક્ટોબરે ધરપકડ કરાઈ હતી. એનસીબીના સૂત્રોએ જણાવ્યું કે સોમવારે સવારે 8 વાગે અર્જુન આંબાના ઘરે દરોડાની કાર્યવાહી કરાઈ. સ્પેનિશ ફૂટબોલ ક્લબ રિયલ મેડ્રિડને ઘરેલુ લીગમાં વેલેન્સિયાએ 4-1 હરાવી લા લિગાની ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન રિયલ મેડ્રિડ ત્રીજી વખત પિંક કિટમાં રમાવતી હતી અને તેને ત્રીજી વખત પરાજયનો સ્વાદ ચાખવો પડ્યો છે. અગાઉ તેને માન્ચેસ્ટર સિટીએ ચેમ્પિયન્સ લીગ અને કેડીસે કોપા ડેલ રેમાં હરાવી હતી. ઘરેલુ મેદાન પર વેલેન્સિયા તરફથી કાર્લોસ સોલેરે હેટ્રિક ફટકારી હતી, જેણે 35મી 54મી 63મી મિનિટે પેનલ્ટી પર ગોલ કર્યા હતા. રિયલના રાફેલ વરાને 43મી મિનિટમાં ઓન કર્યો.